तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही भी गिरफ्तार। एंटी करप्शन ने परवेज इलाही को लाहौर में जहूर इलाही रोड पर उनके घर के बाहर से हिरासत में लिया। पुलिस एहलकारों ने गाड़ी के शीशे तोड़कर परवेज इलाही को बाहर निकाला। परवेज इलाही को 70 करोड़ की मुबैना करप्शन के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने चौधरी परवेज इलाही को एंटी करप्शन लाहौर के हवाले कर दिया। साबिक वजीर अला पंजाब परवेज इलाही बदउनवानी के मुकदमात में एंटी करप्शन को मतलूब थे। सदर पीटीआई के खिलाफ दहशतगर्दी समेत 13 दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस कई रोज से कोशिशें कर रही थी। परवेज इलाही की गिरफ्तारी का ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद जहूर इलाही रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पंजाब हुकूमत ने परवेज इलाही की गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी करार दे दिया। निगरान वजीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने कहा, परवेज इलाही को एंटी करप्शन यूनिट ने पुलिस की मदद से हिरासत में लिया। चौधरी परवेज इलाही को फरार होने की कोशिश में गिरफ्तार किया गया। परवेज इलाही छुपने में माहिर है, वो आज भी ना निकलते तो गिरफ्तारी ना होती। दूसरी तरफ तर्जमान एंटी करप्शन के मुताबिक परवेज इलाही की एंटी करप्शन अदालत ने जमानत मंसूख कर दी थी। परवेज इलाही ने जमानत के लिए जाली मेडिकल सर्टिफिकेट अदालत में पेश किया था। पुलिस के मुताबिक परवेज इलाही के एंटी करप्शन के छापे के दौरान मुजाहमत की। मुकदमे में जमानत मंसूख होने पर परवेज इलाही की गिरफ्तारी मतलूब थी। तहरीक इंसाफ में हैं और रहेंगे। चौधरी परवेज इलाही के बेटे मोनिस इलाही का ऐलान, ट्वीट में कहा कि वालिद ने कहा था चाहे गिरफ्तार कर लें, चेयरमैन पीटीआई का साथ नहीं छोड़ेंगे। जनवरी से पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू किया गया था। हुकूमत की पीटीआई को मुज़ाकरात की ऑफर। चेयरमैन पीटीआई मुज़ाकरात चाहते हैं तो वज़ीर-ए-आज़म को फ़ोन करें और बैठकर बात कर लें। वज़ीर-ए-आज़म चेयरमैन पीटीआई को मुज़ाकरात पर मुस्बत जवाब देंगे। वफाकी वज़ीर दाखला राणा सनाउल्ला का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू, कहा वो आज भी सियासतदानों के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। वो 20 कमेटियाँ बना रहे हैं, जो लोग जिना हाउस में दाखिल हुए उनके खिलाफ फौजी अदालत में मुकदमा चलेगा। अगर ये सब चेयरमैन पीटीआई ने मंसूबा बनाया तो फिर मिलिट्री कोर्ट में उसका भी ट्रायल होगा। पीटीआई से लातालुकी इख्तियार करने वाले मुकदमात से बच सकते हैं। जलाओ घेराव करने वालों को किसी किस्म की कोई माफी नहीं मिलेगी। इंतखाबात का ऐलान होते ही नवाज शरीफ वतन वापस आ जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई इदारों के खिलाफ नई साजिश कर रहे हैं। इदारों को बदनाम करने की चाल को समझने में गलती ना करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया, कहा वो 9 मई के वाक़ात से नज़र हटाने के लिए बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहा है। कौमी इदारों के खिलाफ गंदी जुबान इस्तेमाल करने वाला किसी भी हद तक जा सकता है। इसका काम नफरत, तकसीम और झूठ फैलाना है। वो सिर्फ झूठ, नफरत और तकसीम करने वाला शख्स है। रुपए का पलटकर वार, डॉलर बेहाल। ओपन मार्केट में डॉलर 13 रुपए सस्ता, नई कीमत 298 रुपए हो गई। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे कमी से 285 रुपए 38 पैसे का हो गया। चेयरमैन फॉरेक्स एसोसिएशन मलिक बोस्तान ने वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार और स्टेट बैंक के बरवक्त इकदाम को डॉलर की कीमत की कमी की वजह करार दे दिया। कमर्शल बैंकों के डॉलर खरीदने से ओपन मार्केट पर असर पड़ा। इसहाक डार ने बरवक्त फैसला किया और गुज़श्ता रोज सर्कुलर जारी किया। फॉरेक्स डीलर्स ने डॉलर कदर में कमी की बड़ी कामयाबी करार दे दिया। उधर सोने की कीमत में एक ही रोज में 5,400 रुपए फी तोला कमी, 1 तोला सोना 2,29,000 का हो गया। महंगाई में पिसे आवाम को रिलीफ, पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए फी लीटर कमी, नई कीमत 262 रुपए फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल मजीद 5 रुपए सस्ता, 253 रुपए का हो गया। लाइट डीजल भी 5 रुपए फी लीटर सस्ता, नई कीमत 147 रुपए 68 पैसे। मट्टी के तेल की कीमतें बरकरार। एलपीजी सार्फिन की लॉटरी लग गई। एलपीजी 37 रुपए फी किलो सस्ती हो गई।
ओगरा ने कीमत में बड़ी कमी का ऐलान कर दिया। इम्पोर्ट और लोकल LPG की कीमत 197 रुपए फी किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 438 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 1686 रुपए कमी। घरेलू सिलेंडर 2322 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 8933 रुपए में फरोख्त होगा। मुल्क में महंगाई का नया रिकॉर्ड, मई में महंगाई की शरह बुलंद तरीन सतह 38% तक पहुंच गई। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मई में गजाई अशिया की कीमतों में 48.7% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तामीराती शोबे में अशिया की कीमतों में 20.5% इजाफा हुआ। ट्रांसपोर्ट के अखराजात में 53% का इजाफा रिकॉर्ड। जूतों और कपड़ों की कीमतें 22.5% की शरह से बढ़ी। सियासी अफरा तफरी खत्म होने के बाद आवाम को खुशखबरियां मिल रही हैं। शहबाज शरीफ ने माशी इस्तेहकाम के बीज बोए, जो नतीजा अवामी रिलीफ की शक्ल में आया। वजीर इत्तला'आत मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हमारे हाथों ही आएगा। मुल्क सियासी और माशी इस्तेहकाम की राह पर गामजन हो गया। स्विच ऑन ऑफ करके मईशत को ठीक नहीं किया जा सकता। गंदम, कुकिंग ऑयल और पेट्रोल की कीमतों में कमी हो गई, आइंदा भी महंगाई कम होगी। सहाफी ने सवाल किया, 10 साल में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें चेयरमैन PTI का नाम नहीं लिया गया। मरियम औरंगजेब ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस मुआशी और सियासी इस्तेहकाम पर थी, इस पर सिर्फ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का नाम लिया जा सकता है। हुकूमत को अदलिया बारे कानून साजी पर मुशावरत करनी चाहिए। अदलिया से मुतालिक यतरफा कानून साजी नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल के सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों की समाअत में रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने कहा सुप्रीम कोर्ट नजरसानी कानून बन चुका। नजरसानी का दायरा अख्तियार समाज से बढ़कर अपील मुसावी होगा। सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर बिल और नजरसानी के दायरा अख्तियार को बढ़ाने के कानून में थोड़ा सा टकराव है। चीफ जस्टिस ने कहा खुशी है पार्लियामेंट और हुकूमत मुमासत वाले कानून में तरमीम कर रही है। हम विफाकी हुकूमत की तजवीज को खुशामदीद कहते हैं। कानून के हवाले से पार्लियामेंट का दोबारा जायजा लेना बहुत अच्छी बात है। ये मामला पार्लियामेंट को नहीं भेजेंगे। पार्लियामेंट और हुकूमत अगर कोई तजवीज दें तो उस पर गौर करेंगे। चीफ जस्टिस ने पार्लियामेंट कार्रवाई की तफसीलात पर रिमार्क्स देते हुए कहा अखबारात के मुताबिक पार्लियामेंट ने कार्रवाई फराहम करने से इनकार किया। पार्लियामेंट को शायद मालूम नहीं तमाम कार्रवाई वेबसाइट पर मौजूद है। समाअत आइंदा हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई। एक्ट से अदलिया की आजादी में कमी नहीं इजाफा होगा। काफली की सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरख्वास्तों की मुस्तरद करने की इस्तदा। काफली ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब जमा करा दिया। मौकफ इख्तियार किया कि मुल्क में चलने वाली वकला तहरीक के बाद रिफॉर्म्स के मौके को गंवा दिया गया। आजाद अदलिया का मतलब हर जज के बगैर पाबंदी, दबाव और मुदाखलत के फराइज की अंजामदही है। कौमी सलामती पर बड़ों की बैठक कल होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लिया। इजलास में मुल्की सलामती और दाखिली सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। 9 मई के वाकयात और मुलजमान की तफसीलात से आगाह किया जाएगा। वजारत दाखिला और सूबाई हुकूमतें अपनी रिपोर्ट पेश करेंगी। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस को ज़ेर-ए-गौर लाया जाएगा।